हाँ जी जनाब, सुबह का आगाज़ होते ही हमारे काम स्टार्ट हो जाते हैं और सबसे पहले बेकरी में आके मुझे बेकिंग करनी होती है और टाइम से बेकिंग करनी होती है क्योंकि फिर सैंडविचेस भी बनाने होते हैं। वो ब्रेड ठंडी होती है और फिर उस ब्रेड में जो है हम इस तरह के सैंडविचेस बना के रखते हैं। तो यहाँ पर मेरे काम स्टार्ट हो चुके थे और साथ साथ बेकिंग भी चल रही थी। अच्छा भाई, जर्मनी में समर वेकेशंस जो है वो हमारे सिटी में स्टार्ट हो चुकी है, तो ये मंथ हमारा जो काफी बिजी गुजरने वाला है क्योंकि इसमें चार पांच इवेंट्स ऐसे हैं जो कि एक तो शादी की तकरीब है, साथ में एक जो है मेहंदी की तकरीब है, ढोलकी हैं और कुछ इवेंट्स 14 अगस्त के हैं जो कि आप वक्तन फवक्तन मेरी व्लॉग्स में देखते रहेंगे। तो आज जो है हमारा दिन का आगाज हो रहा है, जैसा कि आपने देखा बेकरी में एंट्री और उसके बाद जो काम होते हैं वो चलेंगे। उसके अलावा आज का दिन कैसा गुजरेगा ये आप देखेंगे और साथ में आज शाम मुझे एक ढोलकी में जाना है और वहां पर हम कैसे क्या करते हैं, क्या एंजॉयमेंट है, ये सब आज आप व्लॉग में देखेंगे। हो चुकी है बंद और अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने क्योंकि ज़्यादा थोड़ी बहुत शॉपिंग होती है जो कि डेली बेसिस पे होती है वो, क्योंकि फ्रेश चीज़ें होती हैं तो वो लेनी होती हैं। तो बस वहाँ से फिर हम जो है घर जाएंगे और बस फिर तैयारी अपनी स्टार्ट होगी। तो आए चलते हैं पार्किंग का, क्योंकि इतना ज़्यादा मसला होता है तो मैं भी फिर इधर पार्किंग में जो है वो पूरे डे फुल डे की जो है वो पार्किंग लेके यहाँ पर पार्क करती हूँ। तो जी, तो इस वक्त मैं आ गई हूँ डीएम और मुझे डीएम से कुछ लेना था। अब मैं आई हूँ लिडल और लिडल से मुझे कुछ सैलड वगैरह लेनी थी, वो इंशाल्लाह लेके और फिर हम घर की तरफ जाते हैं। ये भी अभी देखना है कि क्या तैयारी करूँ, क्या पहनूँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होता है जब कहीं जाना हो कि क्या पहनना है, क्या करना है। रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इंशाल्लाह देखिए, मैं मार्केट में आ चुकी हूँ। होते ही यहाँ सबसे पहले ज़बरदस्त किस्म की चेरीज रखी हुई है और ये चेरीज जो है 69 की 100 ग्राम है। चलो थोड़ी सी लेते हैं। ये बेरीज भी आप लोग कभी ट्राई करके देखें, बड़ी खट्टी होती हैं और इसमें तो चाट मसाला या काला नमक वगैरह डाल के और जब खाएं ओहो हो हो, मज़ा आ जाता है भाई। हाँ जी, तो यहाँ पर है सैलेड और एक मेरे ख्याल में काफ़ी है, हम एक ले लेते हैं, ये ज़्यादा सही लग रही है। हाँ जी, घर आके फिर हमने मज़ेदार सी चेरीज़ को एंजॉय किया और जाते वक्त चाय बनाई मैंने, गर्मा गर्म चाय पी और साथ में अपने मेकअप और तैयारी स्टार्ट करी। और ये लीजिए जनाब, हम हो गए हैं तैयार। मेरी सांसों में समाया, क्यों एक पल की भी जुदाई। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पर अब माशाल्लाह से सब लोग आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रहे थे। मैं तो तकरीबन 8 बजे पहुँच गई थी और यहाँ पहुँचने के बाद 2-3 फैमिलीज़ जो हैं वो फ़ौरन ही मेरे बाद आ गई थी। और ये क्योंकि ख़वातीन की पूरी गेट टुगेदर थी तो इसमें बड़ा मज़ा आ रहा था। और उसके बाद जनाब गाने स्टार्ट हो गए। बचा दे, मैं आपके कर लूं।
वक्त हम जा रहे हैं किचन में और ये बैठी है दुल्हन साहिबा। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। वालेकुम अस्सलाम। और आप सब इनको दुआ में याद रखें, माशाल्लाह से खैर से 10 दिन बाद इनकी शादी है और आज ये इनकी पहली ढोलकी है। और यहाँ पे जनाब उनकी अम्मा जी खड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हो, क्या कर रही हो? मैं बस खाने पीने की थोड़ी तैयारी। हाँ जी, सबने बहुत जोश और खरोश से गाने गाए। हाँ नहीं नहीं चले माशाल्लाह से यहाँ पर जनाब। बिल्कुल बिल्कुल। और माशाल्लाह कैसा लग रहा है किरण? वैसे अच्छा लग रहा है, कभी कभी बहुत दिल घबराता है, रात को जब सोती हूँ तो बहुत दिल घबराने लगता है कि हाँ, अभी तो इतनी छोटी सी तैयारी और माशाल्लाह माशाल्लाह से। हाँ हाँ, मगर अल्लाह का शुक्र है, बहुत सुकून है माशाल्लाह। हाँ, घर यहाँ मतलब लड़का यहाँ पर करीब में है, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, तो चलो उनको देख के बहुत दिल को मुतमईन होता है, मुतमईन हो जाता है। हाँ, सास ससुर भी आ रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान से उनका वीजा लग गया है जनाब, तो वो लोग आ रहे हैं और ये जबरदस्त से खाने बन चुके हैं यहाँ पे जनाब। ये हो रहा है नूडल, चाइनीज नूडल है, और ये है ओ हो कराची की ऊधम चाट, और ये है स्पगेटी, और ये है दही बड़े, कंप्लीट है अभी अभी पूरे हुए नहीं ये देखें, और ये है जनाब पिज्जा। ओके जनाब, तो ये सब चीजें इस वक्त तैयार हो रही हैं। तो यहाँ पर मजेदार किस्म का केक, मुमानी केक लेकर आई हैं ये। तो ये जनाब ये देखें। चले जी, यहाँ पर हम उस नए दूल्हा और दुल्हन के लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला उन दोनों को आपस में प्यार और मोहब्बत दे और हमेशा खुश और आबाद रखे। जी हाँ, और यहाँ पर हम जनाब दूल्हा साहब की बरी देख रहे हैं, और इसी के साथ मैं अपनी व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।